तो जैसा कि कहा था कि वो मीन्स अल्केन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अल्किन के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप देखिए मेरे साथ देखिए। तो अल्किन क्या होता है, तो आप जान सकते हैं कि अल्किन मीन्स अनसैचुरेटेड होता है, जो ओपन चेन कंपाउंड को जब लिस्ट टू कार्बन आइटम के साथ लिंक्ड किया जाता है तो डबल को वायलेंट बॉन्ड बनाता है, उसे अल्किन कहते हैं। जब कार्बन आइटम जो लिंक होता है डबल बॉन्ड के साथ, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देख सकते हैं, आगे दिखाने वाला हूँ, आप देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अल्किन्स आर आल्सो नॉन एज ओलिफाइंस, मीन्स ओलिफाइंस मीन्स ऑयल। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ओलिफेंट, ओलिफेंट से ड्राइव किया ओलिफाइंस को, मीन्स ऑयल प्रोड्यूसर। विकाउज अल्किन्स रिएक्ट विथ अल्किन टू फॉर्म ऑयल लाइफ प्रोडक्ट, मीन्स जब ऑयल अल्किन को रिएक्ट करा जाता है तो ऑयल लाइफ प्रोडक्ट की तरह रिएक्ट करके फॉर्म करता है। अल्किन फॉर्म होमोलाइसिस सीरीज, मीन्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n। इट्स फर्स्ट सूटेबल मेंबर इज इथिन C2H4। मीथेन क्यों नहीं बनता है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं मीथेन जो हाईली अनस्टेबल है और इथिन जो अस्टेबल है, मीन्स मीथेन जो अनस्टेबल होने के कारण रिएक्ट करता है, तो हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 0.03 सेकंड। मीन्स इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मीथेन जो है फॉर्म होता है लेकिन हाईली अनस्टेबल होने के कारण 1 सेकंड का 3000वां भाग में फॉर्म होता बनता और वो विलुप्त हो जाता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, और इस तरह का एग्जांपल देखिए, और आगे जैसे हो गया इथिन हो गया, प्रोपीन हो गया, 2-methyl propane हो गया, 2-butene हो गया, 1-butene हो गया, आप देखा दोस्तों, और देखिएगा आगे वीडियो। तो इसके पहले अल्किन के बारे में जाने हैं आप, और अब आप जान सकते हैं कि आइसोमेरिज्म ऑफ अल्किन क्या होता है। आइसोमेरिज्म मीन्स आपको मैं पिछले वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और कितने तरह का होता है। तो आप देख सकते हैं कि आइसोमेरिज्म ऑफ अल्किन क्या मीन्स फर्स्ट हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म में से आप देख सकते हैं, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला इस तरह से हो। केवल जब स्ट्रेट चेन को ब्रांच मीन्स पोजीशन जब चेंज किया जाता है उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब उसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन चेन में जब चेंजेज आता है उसे चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में इस तरह का है एग्जाम्पल, और मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि अब कई तरह का फंक्शनल ग्रुप होने के कारण जैसे आपको मैं डिटेल में बता पा रहा हूँ, केवल एग्जांपल के साथ आपको समझाने के लिए। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और रिंग आइसोमेरिज्म दोनों एक ही है, कि जैसा कि देख सकते हैं जैसे प्रोपीन हो गया उसको हम साइक्लोप्रोपीन बना सकते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला जैसे C4H8 मीन्स 1-butene हो गया, ब्यूटीन आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला भी देख सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी देख सकते हैं। अब और अगला मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आप देखिए और आगे। तो देखा दोस्तों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरह से होता है। मैं आपको केवल एग्जांपल के सहारे बता रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पूरा आइसोमेरिज्म ही एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ आपके, जैसा कि देखा था मेरे पिछले वीडियो में आप देखे थे। इस तरह से आइसोमेरिज्म का टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ से जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन, और अल्किन को और कई तरह से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया अल्काइल हैलाइड से। तो अल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोक्सी सॉल्यूशन ऑफ KOH गिव्स अल्किन्स। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। मीन्स आप एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि जब डीहाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और हाइलोजन ग्रुप का जब टूटता है तब हमें अल्किन प्राप्त होता है। देख सकते हैं इस तरह से, जब रिएक्शन कराएंगे अल्कोक्सी सॉल्यूशन के साथ तो हमें इथेन प्राप्त होगा, इथेन प्लस KCl प्लस H2O आप देख सकते हैं। और मेरे आगे एग्जांपल एक ये देखिए दोस्तों, इसका रिएक्शन है अल्कोक्सी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये मिलेगा। और इसी तरह का वीडियो चाहते तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, शेयर करें अपने दोस्तों को और लाइक करें। और इसी तरह का वीडियो चाहते तो मैं आपको देख सकते हैं आपका अगला टॉपिक क्या होने वाला है, इसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ओके, थैंक यू।